जॉब से रिगार्डिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें अपने मोबाइल पर लेटेस्ट जॉब पाने के लिए। उसमें ट्रेड जॉब भी रहेगा जिसमें कि सारी जॉब मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो के अंदर, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिलेगी इंशाल्लाह, तो आप ज़रूर उसे देखिएगा और उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी 30 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला है और वो भी दिल्ली में होने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर जब भी वो वीडियो मैं डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ ले पाएँ। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होगी और मैं भी सही हूँ। हम जो बात करेंगे आज, जो हमारे पास में रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब से है और ये जो है दमाम से है। अगर आप दमाम जाना चाहते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और इसमें जो काम रहेगा आपका काफ़ी बेहतरीन काम है, और बात करें सैलरी की भी तो काफ़ी अच्छी सैलरी आपकी इसमें लगने वाली है, क्योंकि ये जो है एक क्लाइंट इंटरव्यू है। आपको 30 नवंबर को है दिल्ली आना पड़ेगा अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट अगर अप्लाई करना चाहता है वो 30 नवंबर को आए दिल्ली और इंटरव्यू दे और जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी उसकी। और इसमें मैं बताऊंगा आपको लगभग 12 से 13 कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, जिसमें कि अगर आपकी प्रोफाइल से मैच करती कोई जॉब है तो ज़रूर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज ये वीडियो आगे शेयर कर सकते हैं। और सैलरी की बात करें तो सभी में सैलरी काफ़ी बेहतरीन लगने वाली है, कंपनी आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है। और 30 नवंबर सुबह 8 बजे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको आना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे भाई बंधु पूछते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर आने, तो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं आपके, और स्कैन भी साथ में लेकर आइएगा तब अच्छा रहेगा। और ये दमाम का काम है सऊदी अरब का। अब बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या ट्रेड हमें चाहिएगी, और इसमें जो सारी चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए वो सेफ्टी ऑफिसर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सभी तरह की जो है, कुछ वाइट कॉलर भी है, सभी तरह की जॉब है इसके अंदर, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए इसमें, और इसमें लगभग आपकी सैलरी जो रहेगी वो 1500 से 2000 रहेगी, प्लस फूड आपको दिया जाएगा, यानी कि 1500 मिनिमम, मैक्सिमम 2000, इसके बीच में आपकी सैलरी लगेगी। लेकिन जो मैं आपको सैलरी बताता हूँ वो मिनिमम मैक्सिमम दोनों बताता हूँ, लेकिन आप मिनिमम जो है सैलरी वो लेके चलिए अपने माइंड में सेटअप उसका डालिए। अगर मैक्सिमम आपको सैलरी मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात, पहली जो हमारे पास में सेफ्टी ऑफिसर की है, दूसरी जो है WPR, ये मुझे मालूम नहीं ये क्या होता है। अगर आप इसको जानते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस चीज़ को जानते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जो सैलरी है 1500 से 2000 है WPR। उसके बाद में इसका इसका फोल्डिंग वाला बंदा चाहिए। अगर आपकी इसमें सैलरी लगेगी जो 1500 से 2800 रियाल के बीच में लगेगी, प्लस आपको फूड दिया जाएगा। उसके बाद में जो चाहिए है वो चाहिए फैब्रिकेटर। अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो इसमें भी जा सकते हैं, और इसमें जो आपकी सैलरी लगने वाली है फैब्रिकेटर में 1200 से 1600 के बीच में लगेगी, प्लस फूड दिया जाएगा आपको। और उसके बाद में जो चाहिए वो चाहिए पाइप फिटर चाहिए, और इसमें जो आपकी सैलरी लगने वाली है वो लगने वाली है 1200 से 1500 के बीच में, यानी कि मिनिमम मैंने बता दी 1200, मैक्सिमम आपकी जो है 1500 के बीच में लगेगी। उसके बाद जो चाहिए मिक वेल्डर चाहिए, और इसमें जो आपकी सैलरी है 1200 से 1500 के 1200 से 1600 के बीच में, प्लस फूड आपको दिया जाएगा। और सिविल इंजीनियर चाहिए, सिविल इंजीनियर चाहिए अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सिविल इंजीनियर, और इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 1500 से 2000 के बीच में, प्लस फूड रहेगा। और उसके बाद में चाहिए टेलीकॉम टेक्नीशियन, ठीक है, और इसमें जो आपकी सैलरी है 1200 से 1800 के बीच में रहेगी, प्लस फूड आपको दिया जाएगा। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, और इसमें जो आपकी सैलरी होने वाली है 1500 से 2300 के बीच में होने वाली है, प्लस फूड दिया जाएगा आपको। और इसके बाद जो चाहिए वो इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन चाहिए, और इसकी जो सैलरी होने वाली है वो होने वाली है 1200 से 1700 के बीच में, प्लस फूड दिया जाएगा। और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, इसकी भी जो सैलरी है वो 1200 से 1700 के बीच में होगी। और प्लम्बर चाहिए, सैलरी जो होने वाली है 1100 से 1400 के बीच में होने वाली है। और उसके बाद में जो है मैकेनिकल टेक्नीशियन चाहिए,
1200 से 1700 के बीच में सैलरी होने वाली है। प्लस इनमें सब में फूड दिया जाएगा आपको, अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो सभी में फूड आपको दिया जाएगा सर। और कंपनी जो आपको प्रोवाइड कर रही है वो मैं सारी चीज़ आपको बता देता हूँ। आपको कंपनी इसमें फूड भी प्रोवाइड करेगी, अकोमोडेशन, मेडिकल और यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्टेशन, ओवर टाइम भी आपको इसमें दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स जो हैं वो सऊदी के लेवल लोग के हिसाब से दिए जाएंगे। और वर्किंग डेज जो रहेगा आपका 6 डेज रहेगा 1 वीक में, और 10 घंटे की ड्यूटी रहेगी। 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और जो भी फैसिलिटीज़ अदर बेनिफिट जो है वो आपको सऊदी के लेवल लोग के हिसाब से दिए जाएंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट इसमें जाना चाहता है तो दिए गए नंबर पर नीचे कॉन्टैक्ट करें, अदर इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट को कॉल करें जिनकी जो है मैंने इसमें बताया है, अगर वो इस रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी वगैरह चाहते हैं तो वो हमें कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स में जो आपको प्रॉपर अपने स्कैन डॉक्यूमेंट्स भेजना, और आपका जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो भी भेजना, और जिस भी कैटेगरी में आप जाना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपके पास में एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और ये जो है 30 नवंबर को इंटरव्यू होने वाला दिल्ली में, अगर आप दिल्ली आ सकते हैं तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। सर्विस चार्ज अप्लाईबल है, कोई भी कैंडिडेट अगर इसमें आना चाहता है तो एक जो है सही थोड़ा सा ठीक ठाक बन का आए, ऐसी नहीं किसी भी तरह से आ जाए, तो एक जो है सही तरह से जो अपना पहनावा पहन का आए, और अगर उसको पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तभी वो आए, अदरवाइज नहीं आए। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, पैसे के बारे में बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि सर हम पैसा जो है काम के बाद में देंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ अगर आपका काम सही तरीके से हो रहा है तो कहीं भी अगर पहले दे रहे हैं पैसा तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप जहाँ से काम करा रहे हैं वहाँ पे पहले देख लें कि भाई काम मेरा कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। अगर आपके पास में पैसा है तभी यहाँ पर आएँ, अदरवाइज नहीं आएँ, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलते मैं तो ऐसे ही आ गया था, मैं सोच रहा दूंगा पास हूँगा नहीं हूँगा, तो वो चीज़ नहीं चलेगी। अगर आपके पास पैसा है और जाना चाहते हैं रियली में तभी आएँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वाला ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।